गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू मम्मी एंड फ्लरी टेल, फ्लरी एंड क्यू क्यू टेल। दोनों की नजर अभी कहीं और है। हम लोग थोड़ा शॉर्ट्स और फोटोशूट कर रहे थे जो आपको शायद अभी तक मिल गया होगा। तो हेड्स अप फॉर टेल से मैं दोनों के लिए ये दिवाली गिफ्ट मंगवाई थी, गिफ्ट ऑफ जॉय। ये दिवाली स्पेशल गिफ्ट बॉक्स है जिसमें ये भी मंगवाया था। अच्छा, इसके साथ ये सारा जो फूड अभी रेडी फूड आता है, ब्राउन राइस एंड चिकन वाला मंगवाई हो, देखते हैं दोनों खाते हैं कि नहीं। बट दिस वन दे लव्ड इट। इसमें लड्डू है मेड बाय सारे एडिबल थिंग के साथ, कुछ बिस्किट्स है, कुकीज है। दोनों ने आज एक एक कुकीज और लड्डू ट्राई किया है जो दोनों को बहुत पसंद आया है। आई थिंक द लड्डूज आर मेड ऑफ रागी, तो मुझे थोड़ा डाउट था दोनों को पसंद आएगा कि नहीं, क्योंकि बहुत पसंद आया है। वो आपने देख ही लिया होगा हमारे शॉर्ट्स में। और अगर आप हमारे रील्स और शॉर्ट्स फॉलो करना चाहते हो तो हमारे इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में है, मैं स्क्रीन पे भी डाल रही हूँ, जरूर फॉलो कीजिएगा फ्लरी कियारा को। ड्रेस जब हमने कियारा के बर्थडे पे लिया था तो ये कियारा को अच्छे से फिट नहीं आता था, है ना, बहुत बड़ा था। अभी एकदम परफेक्ट फिट है। की को बेखाने ऊपर यहाँ पे मैं बॉक्स रखी हूँ। उसको लग रहा है सोफे पे चढ़ जाऊंगी तो जल्दी पहुंच जाऊंगी यहाँ तक। हम लोग आज निकले हैं, काली पूजा में तो कहीं जा नहीं पाए तो आज दिवाली के दिन हम लोग थोड़ा निकले, दोनों को लेके बाहर जा रहे हैं। एक हमारे सोसाइटी के मूर्ति पहले देख लिया और रोड पे भी एक बड़ा सा पूजा हो रहा है और दोनों को ही ड्रेस पहना के सोचा कि थोड़ा फेस्टिवल का दिन है तो थोड़ा बाहर जाते हैं और देखते हैं हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे विसर्जन हो गया है या अभी तक मूर्ति है वहाँ पे, काली माँ है कि नहीं, है ना। तो मेरी फ्लरू जा रही है थोड़ी पंडाल हॉपिंग, काली पूजा में भी पंडाल हॉपिंग बाबा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग माय क्यूटी पाइस मामा, गुड मॉर्निंग मामा। अभी नीनी से उठ जाओ, हो गया है ये देखो लिपस्टिक का मार्क, कल जहाँ कल गई थी ना रात को तो वहाँ से वहाँ पे आंटीज ने किसी कर दिया, लिपस्टिक का मार्क हो गया यहाँ पे। दाग अच्छे होते हैं ना बाबा, कुछ दाग अच्छे होते हैं। यहाँ पे क्या बन रहा है फ्लरी कियारा के लिए, फ्रेश फ्रेश खाना बन गया है और अभी विंटर ऑलमोस्ट आ ही गया है, गर्मी कम हो गई है बिल्कुल, तो इसलिए हम लोगों ने फिर से उन दोनों को वेजीज खिलाना शुरू किया है, तो कैरेट बीन्स और बॉइल्ड चिकन मिला के सब्जियां देते हैं, कभी कैरेट कभी बीन्स कभी पंकिन। पंकिन तो बहुत अच्छा है दोनों, मतलब कियारा को बहुत पसंद है पंकिन, कियारा को कोई भी चीज़ जिसमें थोड़ा सा स्वीटनेस हो ना वो उसको पसंद है, पंकिन थोड़ा स्वीट टेस्ट देता है खाने में वो उसको बहुत पसंद है।
टिया एकदम छोटी बच्ची की तरह, उसका हर चीज़ में थोड़ा खेलना पड़ता है इसके साथ, उसके बाद ही जाके उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट आता है, नहीं तो शी फील्स वेरी बोर्ड कि बस खाना रेडी करो दे दो मैं खा लूँ। शी डजेंट लाइक इट, उसके साथ थोड़ा खेलना पड़ेगा, उसको थोड़ा घुमाना पड़ेगा, फिर जाके वो खाएगी। देयर हैज टू बी सम फन एलिमेंट। गुड इवनिंग गाइज, बीच में थोड़ा गैप हो गया इस वीडियो में क्योंकि दूसरे कुछ कमिटमेंट्स थे। सो आज था वर्ल्ड कप फाइनल, दोपहर से बहुत सारी उम्मीद लेके दोनों एकदम रेडी होके बैठे थे कि इंडिया के लिए चीयर करेंगे, और क्या हुआ उसके बाद वो तो अब तक सभी को पता ही है। बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम, और गेम में यही होता है किसी कोई हारते कोई जीतते, बट हाँ अगर गेम थोड़ा और थोड़ा खेल के या लड़के हारते तो भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन होता, बट ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही इजी विन हो गया तो थोड़ा तो दिल बैठ गया क्योंकि बहुत उम्मीद लगा के सब बैठे थे। हम लोग तो सोचे थे कि शाम के टाइम थोड़ा जाएंगे, न्यूटाउन में बहुत सारी जगह पे बिग स्क्रीन्स पे मैच चल रहा था और हमारे सोसाइटी में भी नीचे बिग स्क्रीन पे मैच दिखाया जा रहा था, तो हम सोचे थे कि मैच थोड़ा सा पेस ले ले उसके बाद हम लोग भी जाएंगे ज्वाइन करेंगे लंच वंच ख़त्म करके। बट जिस तरीके से गेम आगे बढ़ा उसके बाद फिर मन नहीं किया और कहीं जाने का, घर पे बैठ के दोनों ने देखा। हमारी फ्लरू की बीच में थोड़ा रेस्ट ले लिया था दोपहर को मेरे साथ, और अभी हम लोग दोनों को लेके थोड़ा निकले हैं। आज दोनों ने शावर भी लिया है क्योंकि आज संडे है, और इसलिए आज हम लोग दोनों को वॉक पे नहीं लेके जा रहे क्योंकि एकदम नहा के उसी दिन वॉक पे जाते ना उसी दिन थोड़ा पैर गंदा हो जाता है, तो दो दिन हम रेस्ट देते हैं और जिस दिन दोनों नहाते उस दिन थोड़ा टायर्ड भी होते हैं, इसलिए आज हम लोग कार पे ही लेके निकले हैं। दीपांजलि अभी गया है रोटी पिकअप करने और मैं दोनों को लेके कार पे बैठी हूँ। कियारा कियारा एज यूजुअल एनग्रॉस्ड वॉचिंग आउटसाइड, क्या देखती है पता नहीं, देखती है कि कहीं से एक घोघो मुझे दिख जाए और मैं उसके साथ लड़ पड़ूं। फ्लरी यहाँ से देख रही है कि डैडी कहाँ गया है, डैडी एक्चुअली उस मार्केट में ही गया है, उसका नज़र उधर है कि डैडी कब आएंगे। और दीपांजन के आने के बाद हम लोग थोड़ा सा कार लेके और घूमेंगे, डिनर करने में टाइम है तो कार को ले कार में थोड़ा सा घूमेंगे हम लोग, और दीपांजन शायद थोड़ा चाय पिएगा, मैं चाय पीऊँगी कि नहीं पता नहीं, मुझे उतना मन नहीं है, और उसके बाद घर चले जाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ, अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट येट। टेक केयर गाइस, स्टे हैप्पी स्टे सेफ एंड स्टे पर्सन। डैडी कोई ऐसे से डैडी क्यों क्यों फेसिंग मस्क्यूटस मस्क्यूटस, चलो बाय 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 कर दो मामा।